है, मैं विवेक बिंद्रा जी का बहुत बड़ा फैन हूं, और आज का ये सेशन मैं उनको डेडिकेट करता हूं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। वो एक बहुत बड़े गुरु हैं और उनसे बहुत सारी चीजें मैं सीखा हूं। तो विवेक बिंद्रा जी को मैं पूरा क्रेडिट देता हूं आज के सेशन का, और मैं चाहता हूं कि आप विवेक बिंद्रा जी को ये सेशन दिखाइएगा। वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूं। उनको बोलिएगा कि सर आपका एक शिष्य है जो इस तरह से एक सेशन ले रहा था, साहब मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, मैं उनकी चिन्हों पर चल के मैं आप लोगों की मेरे में जो बिलीव करते हैं ना, मैं उनकी जिंदगी बदलना चाहता हूं। एक बात याद रखिएगा साहब, रिस्क है तो इश्क है। लाइफ में रिस्क शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है। आप तो फिर भी इंसान हो, इसलिए कहूंगा आपसे, अगर आप पे आपको अपने आप पे विश्वास है, आप किसी की गारंटी मत लीजिएगा। ए टू गारंटी नहीं लेता है, ना कोई और गारंटी लेगा साहब। आपकी सक्सेस की गारंटी आप खुद हैं, और अगर आप खुद जिम्मेदारी उठाने को तैयार है तो मैं कहता हूं कि रिस्क उठाइए साहब, जिंदगी में रिस्क उठाइए। मैंने किसी और के कहने पर वाईफाई नहीं लगवाया था, मैंने जिंदगी में जो भी किया मैं अपने रिस्क पर किया। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और मैं उसके लिए हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैंने अपने पापा को कह दिया था, मेरे पापा कह रहे थे एक दिन जब मैं घर छोड़ के बाहर निकला था, उसके बाद से मैं कभी घर लौट के नहीं गया हूं। 12वीं के बाद, 12th के बाद कभी घर पे वापस से परमानेंटली कभी रहने को नहीं गया। उस दिन मेरे पापा ने कहा था, रुक जा घर पे, मत जा कहीं, यहीं पे अपन मैं दुकान चलाता हूं, बढ़िया दुकान चल रही है, तू उस गद्दी पे बैठेगा, तू ही है हमारा बाहुबली उस गद्दी का, दुकान पे बढ़िया बैठ के अपन माल बेचेंगे, बैठ गद्दी पर। मैंने कहा नहीं पापा, अभी तो मुझे जाना है, इंजीनियरिंग करने के लिए जाऊंगा। आपने स्टोरी सुनी होगी, मैं काफी बार ये शेयर करता हूं। तो पापा क्या बोले पता है, रुकेगा तो तेरी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन चला गया तो तेरी जिम्मेदारी तेरी, फिर मुझे मत कहना। मैंने पापा को क्या कहा पता है, मंजूर है लेकिन मैं जाना चाहता हूं।